आयशा हैं, इनका चैनल देखता हूँ, वक्तन फवक्तन देखता रहता हूँ। क्या आपकी मेज़बानी है, सबके खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाली, पिछले साल जो है लॉकडाउन लग गया था और काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं एक रेस्टोरेंट के फूड को कवर कर सकूँ, मेरे लिए आज वो मुझे मौका मिल गया है माशाल्लाह से। तो मैं हूँ इस टाइम पर जाफ़राबाद में और जाफ़राबाद में अयाना फूड्स है जिसमें काफ़ी सारे खाने ऐसे हैं जिनके टेस्ट बहुत अलग हैं। खाने में इतना टेस्ट है ना कि जब लोग खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, ऐसा फीडबैक मिलता भी है और लोगों को मानना भी है। और तो आज यहाँ के फूड को हम कवर करेंगे और बात करेंगे यहाँ के ओनर से। यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं हम। अयाना फूड्स की शुरुआत हुई थी फरवरी 2009 में, और जब हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट नीचे हुआ करता था और सीट्स भी कम थे, आइटम्स भी कम थे, और हमने जब शुरू किया था तो 2009 में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अल्लाह ने आज इस मकाम पर पहुँचाया कि आज हमारा रेस्टोरेंट नीचे फ्लोर पर भी, ऊपर फ्लोर पर भी है, फैमिली सेक्शन भी है और आइटम्स बढ़ गए हैं। कुछ हमने काम भी किया, कुछ अल्लाह की तरफ से मदद आई और अल्लाह का शुक्र है आज हम, उम्मीद है कि आपको शायद हमारा टेस्ट पसंद आएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास में चिकन, मटन, फिश, वेजिटेरियन, ये चारों उसमें काम कर रहा हूँ। मेरे पास बफ नहीं होता है, प्लस मैंने अभी कुछ टाइम पहले अभी देसी मुर्गा शुरू करा था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं सब इंक्लूड कर लूँ अपना, रोटी, नान, खीर वगैरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेन्यू टोटल आइटम कर लूँ तो शायद 100 से ऊपर बैठेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कोई और नहीं कर सकता या जो कोई और कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी आइटम यूनिक हो और जितने मेरी मेन्यू के अंदर आइटम हैं वो हर वक्त अवेलेबल रहें, मैं अपनी तरफ से अच्छी सर्विस दे सकूँ कस्टमर को। इससे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदारी से और मेहनत से करता रहूँ, बाकी लज्जत इज्जत सब अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ने ये बात रखी है कि जमुनापार में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो मैं इस बात पे कोई मुझे प्राउड फील नहीं होता कि ऐसा है या मैं सबको बीट कर दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना टेस्ट है, अल्लाह सबके हिस्से का सबको अपने हिस्से का नवाजता है। मेरे हिस्से मुझे नवाज रहा है, उनके हिस्से उनको नवाज रहा है। अब ना हम इनके यहाँ पे किचन में एंटर होने वाले हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा तवे से ये जो आप देख रहे हो ना ये तवे में फ्राई होता है ना जी। तवे जो मैं हूँ यहाँ पर आया ना फूड के यहाँ पे किचन में, और माशाल्लाह से यहाँ पे किचन जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्लीन भी है यहाँ का किचन। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ का हेवी जो सीन चल रहा है, जो दोस्त हेवी जो सीन चल रहा है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जो कॉर्नर के जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है तो यहाँ पे ये निकल रही है। यहाँ पर अच्छे कबाब लग रहे हैं नहीं, चिकन सीख कबाब। पैकिंग क्या है नहीं, जाफराबाद। अच्छा जाफराबाद क्या है, तो क्या फीडबैक है, कैसा लगता है खाना?
बहुत टेस्टी लगता है, हम यहाँ के अलावा कहीं और आते भी नहीं, और स्पेशली ये जो है ना ये बहुत टेस्टी है चिकन पटियाला। पर मतलब 10 में से 11 एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, बहुत। मेरा नाम निशात फातिमा है। यहाँ का फीडबैक तो सारी की सारी आइटम बहुत बेस्ट है। सबसे ज़्यादा मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है, यहाँ का बहुत बेस्ट है। मैं बता रही हूँ, हम तो खुद दिल्ली 6 से हैं, तो यहाँ का स्पेशली मैं हर चीज़ मैंने टेस्ट कर रखी है। बटर चिकन था, तंदूरी चिकन, अभी रात में भी हम खाना खा के गए सारी फैमिली हमारी। जफर खान है, बेसिकली मैं नोएडा रहता हूँ, और नोएडा से मुझे स्पेशल बुलाया गया था कि आप अनाया फूड ट्राइए। तो तकरीबन दिल्ली 6 में अक्सर अगर मैं खाना खाता हूँ, वहाँ के लजीज खाने होते हैं, तो यहाँ अनाया फूड में मुझे खाने के बाद ये पता चला कि वाकई में बहुत टेस्टी खाना और बेहतर लजीज खाना है और बेहतर सर्विस है। तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अगर आप स्टार की बात करेंगे तो 10 देने में कोई गुंजाइश कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर लजीज खाना। और मैं चाहूँगा, यहाँ से अपील करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि आप तकरीबन एक बार जरूर मौका दें यहाँ आकर, और एक बार खाने का टेस्ट जरूर आप पता करें। कि मेरे पास में जो है काफ़ी सारे यहाँ पर आइटम हैं वो माशाल्लाह से यहाँ पर आ चुके हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर टेबल भी जो भर चुके हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कितने स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है यहाँ के ये शामी कबाब। और ये शामी कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में, तो इससे यहाँ पर बारी है अब खाने की, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ ये। और ये काफ़ी स्पेशल शामी कबाब है जो यहाँ पर काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। तो देखें आप ये, इंतहाई सॉफ्ट है, मतलब आपकी सॉस से भी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और जो इन्होंने इसके अंदर मसाले डाल रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम इसे मैंने खाया है और अगर मैं इसे रिव्यू करूँ तो 10/10 है, मतलब इतना बेहतरीन ये इनके शामी कबाब हैं। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ वो है यहाँ पर काफ़ी स्पेशल है, ये है यहाँ पर अफ़गानी टिक्का, और ये चिकन का है। और पिछली बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने चिकन अफ़गानी खाया था जो क्रीम में था, लेकिन ये यहाँ पर ये ड्राई है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इसे तंदूर के अंदर जो है काफ़ी अच्छे से सेक रखा है, तो इसे यहाँ पर अब खाते हैं ये। जिस तरह तंदूर में सेका गया तो वो आप इस बाइट के अंदर फील कर सकते हो। क्रीम जो इन्होंने डाला की है, अमूल बटर की क्रीम यूज़ करते हैं, ऊपर से जो ड्राई आइटम है बटर का, जो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और हर एक बाइट ऐसी है जो कमाल की है। मतलब एक्चुअल में जो चिकन अफगानी होना चाहिए वो बिल्कुल इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही आ रहा है। मतलब अच्छा, अब जो तीसरा जो मैं खाने वाली हूँ वो है यहाँ पर ये चिकन गलाफी कबाब है ये, और ये काफ़ी हरे भरे कबाब है। मैं आपको अब बारी से खाने की यहाँ पर, सीरियसली मैंने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट की या जितने भी खानों की मैंने वीडियो बनाई है और मैंने जितने भी वहाँ पर कबाब खाए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। और ऐसे गलाफी कबाब फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर खा रही हूँ। खास कर मैं आपको बता देती हूँ जो गलाफी कबाब है उसके बारे में, ये काफ़ी फ्रेश है और फ्रेश ही तरीके से यहाँ पर बनाए जाते हैं, वेजेस का इसमें इस्तेमाल होता है और तंदूर के अंदर सेके जाते हैं, प्लस ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं, जो ऊपर से जो ग्रेवी होती है वो उसके ऊपर से क्रीम डाल रखा और बटर डाल रखा है, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और जो इसका जो एक्चुअल में जो टेस्ट है वो मसालों के सारे गए हैं, मतलब आला तरीन गलाफी कबाब हैं ये। मैं ये कहूँगी आओ और ट्राई करो, जब ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली ये कहोगे ऐसे कबाब आपने नहीं खाए हैं, दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं खाए, ये फर्स्ट टाइम है जो आपके सामने ये प्रेजेंट है, और वो भी सिर्फ यहाँ पर आयारा फूड्स पर। मतलब टेस्ट भाई बाकमाल है, ये चिकन तंदूरी है यहाँ पर, तो चिकन तंदूरी हम यहाँ पर खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये पीसेज हैं यहाँ पर ये, और इसके ऊपर ये जो क्रीम डाल रखी है, अंदर से काफ़ी जूसी है ये,
और जो क्रीम के साथ में और जो इनके सीक्रेट जो मसाले होते हैं उसके साथ में ये चिकन तंदूरी और ये गुलाफी कबाब और ये चिकन अफगानी और जो मैंने शामी कबाब जो खाए थे वो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का आ रहा है। मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और अभी तक जो मैंने खाए हैं तो वो सारे ड्राई आइटम खाए हैं। अब बारी है यहाँ पे ग्रेवी वाले आइटम की, तो शुरुआत करते हैं उससे। मटन दो प्याज़ा में यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ये मटन का हमारा जो पीस है यहाँ पर, आई होप आपको दिख रहा होगा ये मटन का पीस। और इसे अब बनाते हैं कि बाइट मटन के पीस के साथ में यहाँ पर, और इसे खाते हैं ग्रेवी के साथ में ये, और इसे मटन दो प्याज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसकी ग्रेवी जो है थिक सी है, ऐसे नहीं पतली है, और जो मटन का जो टेस्ट आ रहा है भाई वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। मतलब आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट मैंने ग्रेवी वाला आइटम यहाँ पे खाया है, और जो कमाल के जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आला है। मतलब मसालों का जो खेल है ना भाई आला तरीन ये लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा जो मैं यहाँ पर आइटम खाने वाली हूँ हमारा चिकन काजू कीमा है, और काफ़ी सारे इन्होंने काजू के जो बाइट है वो बन चुका है यहाँ पर, इसे खाते हैं यहाँ पर। चिकन काजू कीमा जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मसाले इसके ऐसे नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा आपको चुभ रहे हों, में बहुत ही लाइट मसाले इसके अंदर डाल रखे हैं, और जो काजू और जो कीमे का जो मिक्सचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना रहा है। और इसके ऊपर से जो बटर इसके ऊपर से डाल रखा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। अब जो मैं तीसरे खाने वाली हूँ वो है यहाँ की दाल मखनी। तो दाल मखनी यहाँ पर खाते हैं हम। दाल मखनी काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर मुझे लग रही खाने वाली हूँ। दाल मखनी जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है यहाँ पर। चिकन लबाबदार, तो चिकन लबाबदार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है चिकन लबाबदार, तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे से इसके अंदर पीसेस है, ये आप देख लीजिए। तो चिकन लबाबदार को यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसे खाते हैं हम ग्रेवी के साथ में। चिकन लबाबदार की ग्रेवी काफ़ी बेहतरीन लग रही है और ठीक सी ग्रेवी है। तो इसे यहाँ पर हमारा जो बाइट है ये बन चुका है। इतने मुख्तलिफ टेस्ट मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मतलब 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे डिशेस हैं, और अभी मेरे सामने जो है कुछ ही डिशेस यहाँ पर आई हैं, लेकिन जिसका टेस्ट डिशेस का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। चिकन लबाबदार स्पाइसी है, मतलब जो आपको ऐसा स्पाइसी नहीं है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फील होंगे, स्पाइसी है लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ में। अच्छा, अब जो मैं खाने वाली हूँ वो है कि मटन नहारी, और मटन नहारी ऑल टाइम माय फेवरेट है। तो मटन नहारी यहाँ पे खाते हैं। ये हमारा जो बाइट है वो बन चुका है, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये। क्या कहूँ मैं, एक से बढ़कर एक है। मतलब लेवल ही इसका, इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि जब कोई खाएगा तो वो खाता ही रह जाएगा। इतनी रिचनेस के साथ में यहाँ पे जो डिशेस तैयार की जा रही हैं वो बहुत ही आला तरीन है। अच्छा, लास्ट में जो मैं अब खाने वाली हूँ वो है यहाँ का यम यम टिक्का, और यम यम टिक्का जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक सिग्नेचर आइटम यहाँ पे बताया था, तो वो मैंने यहाँ पे है वो बन चुका है। तो ये फुल क्रीमी है, उसे यहाँ बताते हैं। आपने सुना होगा एक रिच फ्लेवर आता है जब आप कुछ खाना ऐसा बनाते हो जो लोग भुलाए से नहीं भूलते, वो ये खाना है। मतलब चाहे चिकन लबाबदार हो या ड्राई आइटम हो या कोई से भी आइटम आप यहाँ से उठा लीजिए, हर डिश के अंदर आला तरीन टेस्ट है, और हर डिशेज ऐसी है कि जब आपने फर्स्ट टाइम खा ली तो आप दोबारा इंशाल्लाह यहाँ पर आओगे, और जब आप आओगे तो आप टेस्ट भी करोगे कि यहाँ के ये टेस्ट हैं कैसे, बहुत ही ज़्यादा आला तरीन टेस्ट है। ये पहली बार है कि मैं किसी फूड ब्लॉगर के चैनल पर इस तरह अपेयर हो रहा हूँ।
आयशा हैं। मैं इनका चैनल देखता हूँ, वक्तन फवक्तन देखता रहता हूँ क्या इनके चैनल पे सरगर्मी चल रही है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि ये मेहनत कर रही हैं, मेरे साथ बैठी हैं। तो बस इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ इस वक्त। हालांकि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी सी चोट लगी हुई है, लेकिन मुझे पता लगा कि आज आयशा यहाँ आसपास में शूट कर रही है, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ और मैं आयशा को हौसला अफजाई करने ही आया हूँ सिर्फ। मेरी तरफ से ये आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, मैसेज भी है कि इस तरह की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए, तो ज़रूर सराहिएगा। अब वो किस तरह से YouTube पर सराहा जाता है आप लोग समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।